अब बातचीत करते हैं सेंचुरी प्लाई बोर्ड्स की। कंपनी के तीसरी तिमाही में मुनाफा करीब 24% नीचे आया, हालांकि आमदनी 6% की उछाल देखने को मिली है। डिमांड का सिनेरियो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मार्जिन 11.5 से गिरकर 8.6% पर पहुंच गया है। लैमिनेट बिजनेस में करीब करीब 3% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजनकर जी से। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, नंबर थोड़े कमजोर दिख रहे हैं केशव जी। जी, नंबर आपके थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, क्या कारण था? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि ये जो क्वार्टर गया है ये काफी मुश्किल क्वार्टर गया है और इस क्वार्टर के हिसाब से ये नंबर काफी अच्छे हैं। मैं इस कारण से कह रहा हूँ कि डिमांड मार्केट में स्लगिश, आज के दिन जो भी नए घर बन रहे हैं, जो भी नए हाउसेज आ रहे हैं, उसमें लॉन्चेस में बहुत तेजी है, लेकिन ये इन्वेंट्री मार्केट को हीट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आउटलुक शुड बी वेरी गुड, लेकिन एक दो क्वार्टर में थोड़ी मुश्किल हो सकती है डिमांड की तरफ से। तो ये तो क्या डिमांड सिनेरियो। एक चीज में बताइए सर कि जो नए घर आ रहे हैं आप कह रहे हैं कि उसमें डिले है, लेकिन आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है उसमें पुराने घरों में तो लोग रिन्यू कराते हैं, उनको वो कंट्रीब्यूशन भी कम हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन हमारे बिजनेस में मैक्सिमम अमाउंट जो नया डिमांड का है वो नए कंस्ट्रक्शन पे ही आता है। मुझे लगता है कि ये जो नया डिमांड की बात कर रहे हैं उसमें स्लगिशनेस है, जो रिजर्वेशमेंट है उसमें मैं ऐसा नहीं जानने की स्लगिशनेस है, लेकिन ओवरऑल जहाँ 70% नए डिमांड पे आता है वहाँ एक डेफिनेट प्रभाव तो पड़ता ही है। नहीं, मुझे ये समझ आ रहा है कि रियल एस्टेट की डिमांड तो बहुत तेज है, बहुत मकान वगैरह बिक रहे हैं, नंबर जो आते हैं मंथली रजिस्ट्रेशन वो भी बहुत तेज है, फिर क्यों स्लगिशनेस, ये लैग कहाँ पे आ रहा है? आप बिल्कुल सही हैं और इसमें बस एक ही डिविएशन होता है, क्या है कि देखिए हम उस समय हमारे प्रोडक्ट उस समय यूज नहीं होते जो मकान बन रहा होता है, हमारे प्रोडक्ट तब यूज होते हैं जब वो हाउस से होम बनते हैं। तो जब आदमी घर के अंदर मीटिंग करने वाला होता है, जब वो अपने घर के फर्नीचर काम करके शुरू करता है, जब वो अपने घर की फिटिंग से शुरू करता है, तब जाके हमारे प्रोडक्ट अंदर आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टाइम लैग इसी कारण से दिख रहा है, लेकिन क्योंकि रजिस्ट्रेशन जैसा कह रहे हैं ऑल टाइम हाई पे है और इसका ट्रेंड आगे भी जाके अच्छा दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि एक या दो क्वार्टर के लैग के बाद हमें बहुत बढ़िया डिमांड देखने को मिलेगा। और मार्जिन क्यों श्रिंक हुए? मार्जिन श्रिंक होने का दो कारण है। पहला तो मैं प्लाईवुड चाहता हूँ, प्लाईवुड में हमारे वन टाइम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस हायर रहे थे, इस क्वार्टर में हमारे जॉल का इवेंट था जो हमारा हर दो साल में एक बार इवेंट होता है, उसके कारण से मार्जिन चेंज हुई है। सेकेंडली क्वार्टर थ्री हमेशा एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वार्टर रहता है प्लाईवुड लैमिनेट के सेगमेंट में, और इसमें टर्नओवर कम होने के कारण ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा था। क्वार्टर फोर में हम लोग गाइडेंस इवेंट पे वापस आ जाएंगे। एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड में प्रेशर आया है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन इम्पोर्ट के प्रभाव की वजह से हम अपने प्राइस इंक्रीज नहीं दे पा रहे हैं। 11 फरवरी से अब ब्लैक इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड के ऊपर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बाद हमारी अबिलिटी टू टेक प्राइस इंक्रीज वापस आएगी और मार्जिन अगले दो क्वार्टर में जाकर जी रहे। ओके, अगले दो क्वार्टर, तो आप ये कह रहे हैं कि नया वित्त वर्ष जो आएगा वहां से डिमांड भी पिकअप करेगी और मार्जिन भी इम्प्रूव होंगे। ओके, अच्छा, जो आंध्रा में नई आपकी यूनिट लगी थी ग्रीन फील्ड आपने, उसका क्या स्टेटस अपडेट और किस तरह काम काज वहाँ पे? आंध्रा में हमारी लैमिनेट के दोनों जो हॉट प्रेसेस है वो कनेक्शन हो चुके हैं, लैमिनेट यूनिट ऑपरेशन है और इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। एमडीएफ यूनिट की कमिशनिंग अगले महीने एक्सपेक्टेड है और हम ऑन ट्रैक है कि ये दोनों का बेनिफिट हमें प्रिडोमिनेंटली अगले साल में जाके मिलना चाहिए। ओके, केशव जी एक चीज बताइए कि आपका लैमिनेट्स का तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम भी दिख रहा है, वैल्यू भी ग्रोथ दिख रही है, कोई खास वजह इसकी? क्योंकि ये तो एक पूरे चेन का एक हिस्सा है। लैमिनेट में मैं कह रहा हूँ कि हम मार्केट लीडर नहीं है, प्लाईवुड में हम मार्केट लीडर हैं, हम ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट मार्केट में है प्राइसिंग में भी सेल के लिए, लैमिनेट में हमारे पास बहुत स्कोप है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके भी लैमिनेट में ग्रोथ शायद थोड़ी अधिक रह सकती है क्योंकि देश का। ओके, अच्छा, एक बात आपने भी बताई कि थोड़ा सा कॉस्ट प्रेशर भी था, मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त क्या बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई हैं, केमिकल की या अलग अलग जो सेगमेंट के टिम्बर्स हैं उन सब की?
लेकिन केमिकल के पैसे नहीं लगे हैं, लेकिन टिम्बर के पैसे काफी लगे हैं। टिम्बर के पैसे पिछले साल में ड्रास्टिकली इंक्रीज किए हैं और इस कारण से हमारे ऊपर रॉ मटेरियल प्रेशर आया है। टिम्बर का साइकिल टिपिकली 3 से 4 साल लगता है, तो मुझे लगता है कि हायर टिम्बर प्राइस अगले साल 1.5 साल तक रहेंगे। लेकिन इस बीच में जैसे मैंने कहा है कि एनडीए का पॉजिटिव वो सेगमेंट में बीआईएस आने के बाद मुझे लगता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बार्गेनिंग भी जुड़ा रहेगी, क्योंकि हमारी एबिलिटी टू पुट प्राइस इंक्रीज को सपोर्ट है। ओके केशव जी, मैकिन्से को आपने एंगेज किया है, क्या रीजन है उसका और उससे क्या आप वैल्यू क्रिएशन देखते हैं उसके थ्रू? मैकिन्से को हमने हायर किया है टू फोकस ऑन एएम प्रोडक्ट इन क्लाइंट सेगमेंट। उसका सेल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका परसेंटेज सेल हम और भी कैसे कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि काफी बढ़िया काम किया उन्होंने, उसका बेनिफिट हमें होपफुली अगले साल मिलेगा। ओके, अगले साल से इसका फायदा मिलेगा। अच्छा केशव जी, बजट आया था, हालांकि इंटरिम बजट है, लेकिन किस तरीके से आप लोगों ने इसको रिसीव किया और क्या आपको अच्छा लगा उसमें? मुझे लगता है कि काफी अच्छा और बैलेंस बजट था। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने कायम रखा है, 11 लाख करोड़ की उन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के डिस्क्रिप्शन से है। तो ये लॉन्ग टर्म विजन दिखाता है, लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस दिखाता है, और मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट सारे सेक्टर को मिलेगा। हमें तो बिकॉज हम रियल एस्टेट से रिलेटेड है, डेफिनेटली मिलना चाहिए। दूसरा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण उन्हें 2 करोड़ एडिशनल घर बनाने का डिसीजन दिया है, इसका भी बेनिफिट कि अफोर्डेबल हाउसिंग में डेफिनेटली एक्सपोर्ट आया था, उससे हमें भी बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे ओवरऑल लगता है कि बढ़िया बजट था और आगे जाके ये हमारे लिए काफी अच्छा प्रूफ होगा। ये आपने कहा पीएम हाउसिंग, इसमें भी आप लोगों का फायदा होता है क्या पीएम हाउसिंग वाले स्कीम से? बिल्कुल, देखिए जो लोन्स एंड है वहाँ पे पार्टिकल बोर्ड और एनडीए से बना हुआ पहुंचे जाता है। तो आज के दिन पे जो भी पीएम आवास योजना के हिसाब से ग्रोथ पड़ेगी उसका एक चंक तो हमें भी बेनिफिट मिलेगा। ओके, मतलब लोग यूज करते हैं वो सब इस आपके प्रोडक्ट उस घर में? देखिए दरवाजे तो कोई भी घर बनते तो उसमें लगेंगे, मिडिल क्लास हाउसिंग के लिए वो कुछ लाने वाले हैं। आप होपफुल हैं कि वो एक बड़ा गेम चेंजर होगा क्योंकि वहाँ ज्यादा इस्तेमाल होता है प्लाई, विनियर और इन सब चीजों का? ओके केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। केशव जी कह रहे हैं कि 2 क्वार्टर के बाद से आपको बहुत अच्छी डिमांड स्पर्ट भी दिखेगी और मार्जिन भी इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे, और सरकार की जो योजनाएं हैं पीएम हाउसिंग से भी फायदा है, और मिडिल क्लास में जब और डिटेलिंग आएगी तो उसका फायदा होगा, क्योंकि हाउसिंग में नए घर जब तक बनते हैं तभी इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिलहाल इस क्वार्टर में नतीजे कमज़ोर थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पे ब्रेक से लौट के आएंगे तो मार्केट अपडेट।